शबी एंड सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल एंड एंड um, से गुड मॉर्निंग बिस्मिल रही आज का जो मौजूद है आज के दौर और अभी का जो दौर की जो है ना जरूरत है किस तरह से हम फेसबुक को इस्तेमाल करें ताकि हम लोगों तक पहुंचे और हमारे बिजनेस में इजाफा करें तो ये जरूरत जो है अभी के लिए बहुत ही क्रिटिकल है बहुत जरूरी है कि आप इसको सीखें समझें और इसको, इसको इस्तेमाल करें कबल के मैं इसको फेसबुक में डायरेक्टली मैं जाऊं इसकी जरूरत क्या है ये आपको समझना जरूरी है क्योंकि अभी जो न्यू नॉर्मल आया है इस साल 2020 में यह हमें एक ऐसा ऐसी चीज हमारे हमारे सामने ले आया कि पूरी दुनिया लपेट में आ गई है तो अब यह जो सिलसिला है कोविड का इसने जो है ना लोगों को परेशान कर दिया है दो एरिया में एक कोविड 19 का 61 परसेंट जो लोग है ना इसमें परेशान परेशानी के जो है ना उसमें उसमें आ गए हैं और जॉब लॉस जो हो रहा है ये मैं आपको जो फिगर दे रहा हूं ये लेटेस्ट फिगर है क्योंकि पिछले दो रोज से मैं रिसर्च कर रहा था कि पूरी दुनिया की जो मेन कंसर्न क्या है उनकी परेशानी क्या है इन दो एरिया में ये जो फिगर आपको जो नजर आ रहा है हेल्थ वाइज 68 मिलियन लोग अफेक्टेड में हैं मिलियन लोग निकल आए हैं एंड वन पॉइंट फाइव मिलियन लोग मरे हैं इससे और उसमें अगर फिगर आप देखें टॉप में यूनाइटेड you स्टेट्स know, है उसके बाद फिर इंडिया है, इसी तरह फिर और भी कंट्रीज हैं। जो है मिलियन में लोगों ने नौकरी उनकी चली गई है और बहुत सारे लोगों का सैलरी रिड्यूस हुआ बहुत सारे लोगों को कहा गया आप जो है ना जाए लंबी छुट्टी पे फर्लो जिसको कहते हैं ये जो फिकर है कल मुझे हैरान कर दिया ट्रैवल एंड टूरिज्म जो है इस साल के आखिर तक 174 मिलियन लोग इस पे जॉब लूज करेंगे और ये जो है ना वर्ल्ड डब्ल्यू का जो है आ, ये फिगर है ये फिगर जो है दिस इज द राइट फिगर तो अब देखना ये है कौन सी दो चीज जो है ये अभी का जो दौर है उसमें जो लोग परेशान है तो उसका सोल्यूशन क्या है सोल्यूशन जो है आपकी सेहत और सेहत अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है तभी मेन कंसर्न जो है हमारे पास उसका सोलूशन है सेहत का और आमदनी का और आज का मौजू मेरा आमदनी के साथ है लेकिन फिर भी मैं सेहत के बारे में बताऊंगा कि ये जो न्यू नॉर्मल आया है ये आपको किस तरह से इस वबा से इस वायरस से इस बीमारी से आपको प्रोटेक्शन देगा हिफाजत देगा क्यों नहीं जो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है ये अब जरूरत है और यही वजह है मैं पूरी दुनिया में देख रहा हूं खा वो कैनाडा हो या अमेरिका हो या मैं कल पेरू में बात कर रहा था इसी तरह बाकी ममालिक में भी इतनी ज्यादा इसकी मांग हो गई है क्योंकि ये लोगों को कुदरती तौर पर जो हिफाजत कर रहा है प्रोटेक्शन दे रहा है क्या है हमारी कुत मुदाफत को ऊपर लेके जा रहा है हमारे फेफड़े को लंग्स को मजबूत कर रहा है सही न्यूट्रिशन दे रहा है और आपने सुना होगा जो लोग बेचारे जो बहुत ज्यादा सिवियर कोविड नाइन्टीन में चले जाते तो उनको वेंटिलेटर लगाया जाता है वो इसलिए क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो 90 से कम हो जाता है। तो ऐसा ये प्रोडक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह जो ये चारों चीज आपको दे रहा है और खास करके जो हमारा किंग ऑफ हर्ब्स है ज्ञानोडर्मा वो ये सारी चीज दे रहा है इसके अलावा हमारा स्पाइलोना वगैरह ये जब तक आप खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं लगाएंगे नहीं तब तक आप लोगों से बिजनेस के बारे में बात नहीं कर सकते तो अब जो है ये जो दो मेन प्रोडक्ट है हमारा ऋषि मशरूम और स्पायरना मिलियंस में लोगों को जो है ना सेहत दे रहा है अलहमद और आप अपना तो ख्याल रखिए लेकिन अपनी फैमिली का अपनी कम्युनिटी का जिसको आप हेल्प कर सकते हैं ये बिजनेस से बालत है बहुत ऊंचा लेवल की मैं हम बात कर रहे हैं कि आप लोगों को वो प्रोटेक्शन दे सकते हैं अब मैं आता हूं जो नया तरीका है काम करने का या बिजनेस का जो है अब आप ये समझते हैं कि मेरा एक एक जो नौकरी है अगर उसमें आप इंसार कर रहे हैं डिपेंड कर रहे हैं तो वो दिन जो है ना वो 2019 से पहले का था अभी तो जरूरत है कि आपका बैकअप प्लान हो होना चाहिए और बैकअप प्लान इससे बेहतर क्या है आप अपने घर से बैठकर ये बिजनेस कर सकते हैं ऑनलाइन होम बेस्ड बिजनेस जो है ना ये नया नॉर्मल है और ये जो है ना आपने सीखना है घर से बैठकर कैसे आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं तो नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये सब कुछ तब्दीली में ले आया है सब कुछ तब्दील कर दिया है तो ऑनलाइन बिजनेस ऑनलाइन बाइंग सेलिंग कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन कर सकते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग इंटरेक्शन हो रही है ऑनलाइन कोचिंग हो रही है जिस तरह भी मैं आपसे बात कर रहा हूं ऑनलाइन हो रहा है सेमिनार और वर्कशॉप का जमाना ही खत्म हो गया होम ऑफिस अब आ गया है और आप लोगों से जो इंटरेक्ट करते हैं मिलते हैं बात करते हैं वो भी उसका भी टेक्नोलॉजी के जरिए करते हैं जिसमें आपका जूम है स्काइप है, हैंग आउट है मैसेंजर्स है व्हाट्सएप है अब ये जो सोशल मीडिया जो है ना बहुत सारे अगर आप ये देखिए दुनिया के चारों तरफ बहुत सारे सोशल मीडिया हमें घेरा हुआ है और इसको हम डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं अब ये एक टेबल का, की तस्वीर ली गई है इसमें जो लोग आपको नजर आ रहे हैं या तो अपने लैपटॉप में हैं, या टैबलेट में है या टेलीफोन में हैं। कोई ना कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है विच इज और इसको सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं अब हम जरा सा डेटा को देखते हैं बहुत जरूरी बात है कि लेटेस्ट डेटा क्या कह रहा है किस तरफ दुनिया जो है ना जा रही है डिजिटल लैंडस्केप दुनिया की जो आबादी आधा से ज्यादा आबादी जो है अब वो सोशल मीडिया के यूजर बन गए उनको इस्तेमाल करें और जो परसेंटेज है जो आबादी की 51 परसेंट इस्तेमाल कर रही है अभी एनुअल ग्रोथ रेट आप देखिए पर जुलाई 2020 ट्वेंटी हर छः महीने के बाद जो है ना ये फिगर आता है दिसंबर के एंड में फिर आएगा तो 10.5 10.5 परसेंट इंक्रीज हुआ है 3.91 बिलियन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और परसेंटेज ऑफ टोटल सोशल मीडिया यूजर एक्सेसिंग मोबाइल मोबाइल के थ्रू जो नवे फीसद अब लैपटॉप पे लोग जो है ना कम बैठ रहे हैं और ज्यादातर जो है वो मोबाइल के थ्रू सब कुछ कर रहे हैं। अब आपका जो बिजनेस है अगर आपने आ, कस्टमर हैं, कंज्यूमर है, है इसका ट्रेंड को देखें। रुझान जो है 2010 में ये एक बिलियन लोग इसको इस्तेमाल कर रहे थे कोविड से पहले तीन बिलियन लोग इस्तेमाल कर रहे थे अब तीन बिलियन से बढ़कर तकरीबन तकर चार बिलियन हो गए और फोरकास्ट है By 2025 आठ बिलियन लोग इंटरनेट सोशल मीडिया को इस्तेमाल करेंगे आठ बिलियन ऑलमोस्ट द इंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन कि अगर कोई इसको, इसको इस्तेमाल ना करे इसको एडॉप्ट करिए प्लेटफॉर्म को वो पीछे रह जाएगा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि Uh, उनका बड़ा पावरफुल uh, कोट है uh, वो कहते थे कि अगर आप वही चीज कर रहे हैं बार बार और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपका नतीजा मुख्तलिफ होगा तो उसका उसका डेफिनेशन है इंसानिटी ये पागलपन है कि आप वही चीज कर रहे हैं जो जो पुराने दौर पे कर रहे थे और आप समझेंगे कि मैं कामयाब हो जाऊं और मैं, मैं हमारा बिजनेस आगे जाए इस तरह से नहीं होगा और ये आपने हर सूरत को सीखना होगा अब सोशल मीडिया का जो ये कोविड नाइनटीन के बाद अगर आप ये फिक्र थे कि वाइट जो है ना एवरेज है ये ये एवरेज फोर्टी थ्री परसेंट जो है ना ये सोशल मीडिया जो है ना इंक्रीज किया है एक साल के अंदर कौन से मुल्क अगर लेफ्ट में अगर देखें जो 64 परसेंट ज्यादा किया वो फिलीपींस उसके बाद इंडिया है साउथ अफ्रीका ब्राजील वगैरह है और राइट साइड जो है आप देखेंगे चाइना इटली वगैरह यूके यूएसए ये लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे थे और जो ज्यादा अंदर आए हैं इस सोशल मीडिया में ये सारे मुल्क हैं तो आधी से ज्यादा दुनिया की जो पॉपुलेशन ये इस्तेमाल कर रही है अगर आप नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और आगे, आगे आप नहीं बढ़ सकते इसको आपने सीखना है इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये देखिए पॉपुलेशन एज तेरह साल से ऊपर सोशल मीडिया जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये पूरा दुनिया का मैप आपको नजर आ रहा है जिसमें नॉर्थ अमेरिका ऑफ कोर्स काफी अरसे से टू परसेंट इस्तेमाल कर रहे हैं सेंट्रल अमेरिका 61 साउथ अमेरिका सदर्न साउथ अमेरिका जो है जहां हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छा हो रहा है 84 परसेंट कर रहे हैं तो अगर आप डीएक्ट पेरू या बोलीविया को आप देखें वो आगे क्यों है क्योंकि ये सोशल मीडिया को वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और यूरोप में आ पाए तो ये आपका 78, 60, मेंसेंट है जहां पर इतने लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको नजर आएगा सदर्न एशिया जो जहां पर से हमारा ताल्लुक है जो बर सगीर में है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल थर्टी सिक्स परसेंट कर रहे हैं सिर्फ और अगर अफ्रीका को देखें वो एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें कि, कितना है तेईस बारह चौदह परसेंट एरिया वाइज उन्होंने यह किया है तो आपको पता होना चाहिए कहां पर आपने टारगेट करना है और उनको जो है ना इसके जरिए लेकर आना है अब सबसे ये ये है कि दुनिया में बहुत सारी सोशल मीडिया है अब टॉप के आपके चार कौन से हैं फेसबुक जो है दैट इज नंबर वन फॉलोड बाई यूट्यूब दो बिलियन व्हाट्सएप दो बिलियन एंड मैसेंजर वन पॉइंट थ्री बिलियन अब आप देखेंगे ये चार जो प्लेटफॉर्म है जिनमें से मार्क जकरबर्ग का ये तीनों है फेसबुक व्हाट्सएप और मैसेजर यूट्यूब किसी और का है तो आप समझ सकते हैं कि, कि कितना इंपॉर्टेंट ये ये पहलू है जो आपने सीखना है जिस तरह बच्चे सीखते हैं वैसे आपने इसको सीखकर अपने बिजनेस को बढ़ाना है लोगों तक पहुंचना है अब क्यों फेसबुक नंबर वन आपका ऑप्शन है मैंने वो सारी फिगर्स दी अभी ये समराइज करके मैं आपको बता रहा फाइव 500 मिलियन आधा बिलियन इंस्टाग्राम 800 मिलियन इंस्टाग्राम भी बहुत पॉपुलर है और फेसबुक 2.2 बिलियन लोग आते हैं हर महीना आप इमेजिन कर सकते हैं कितना आपका रीच होगा इतने तो आप अगर आ, फ्रेंड को तलाश कर रहे हैं अपने प्रॉस्पेक्ट को तलाश कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों को तलाश कर रहे हैं अपने स्कूल के दोस्तों के ये है प्लेटफॉर्म जहां पर आप जो है ना लोगों से कनेक्ट होते हैं अब मैं आता हूं मेन टॉपिक जो है आपने फेसबुक में सीखना क्या है डिफरेंट जो आपका जो तरीकाकार है फेसबुक से आप लोगों तक कनेक्ट होते हैं एक है आपका प्रोफाइल जो हर एक को पता है लेकिन यह आपको सीखना होगा कि प्रोफाइल होता क्या है और उससे आप किस तरह से फायदा ले सकते हैं फिर आपका फैन और बिजनेस पेज है। ये पहले जो है 2015 से पहले यहां पर लोग ज्यादातर जो है अपना बिजनेस की बातें करते हैं अब इसको डाउनग्रेड कर दिया गया है उसके जगह में अब आ गया है फेसबुक ग्रुप अब ये भी आपने सीखना है लेकिन मैं सारे अभी इस एक घंटे में तो नहीं बता सकता हूं लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जिसमें फेसबुक लाइव इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और आप जो अपने फेसबुक में पांच सीज है कौन सी चीज जो आपने फेसबुक में लोगों तक जो पहुंचना है आपने क्या चीजें सीखनी है करनी है कॉन्टेंट अब हर एक को मैं अलग अलग लूंगा नंबर टू है कनेक्शन आप जिन लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं लोग जो फेसबुक में हैं फिर आपने उनसे जो बातचीत करनी है कन्वर्सेशन और कंसिस्टेंसी कि आपने ये नहीं कि आज कल कर लिया कल नहीं करेंगे हर रोज आपने करना है और आखिर में हम चाहते हैं कन्वर्जन हो जो भी आप कर रहे हैं एक से लेकर चार में आखिर में आपको कन्वर्जन मिलना चाहिए वो या या वो आपके कंज्यूमर बने कंटेंट क्या चीज है कंटेंट फेसबुक में यह एक कोट uh, 1996 में बिल गेट ने कहा था उस वक्त सोशल मीडिया फेसबुक बोलकर कोई चीज नहीं था उस वक्त उसने कहा था कंटेंट इज किंग आप जो चीज लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिस तरह से पहुंचा रहे हैं वो टॉप मोस्ट जो है ना उसकी इंपॉर्टेंस है कंटेंट so, क्या चीज है फेसबुक में इसमें आपका कुछ लिखते हैं आप टेक्स एक आम टेक्स्ट कुछ आपने जुमला लिखा कुछ अल्फाज एक दो लिखा इसको कहते हैं कंटेंट दूसरा है वो जो चीज लिखी आपने उसके साथ कोई तस्वीरें अपने डाल दी, दी ये भी कंटेंट है तीसरा आपने कोई वीडियो लिया और वीडियो इसमें अपलोड कर दिया और चौथा जो है वो है फेसबुक लाइव वीडियो एक नॉर्मल वीडियो जिसको हम नेटिव वीडियो कहते हैं और ये है लाइव वीडियो अब एग्जाम्पल ऑफ कंटेंट्स क्या है और भी मैं मजीद आपको दिखाऊंगा लेकिन पर्सनल अपडेट आप अपने बारे में अपने फैमिली के बारे में आपको पसंद क्या है आप किस चीज जो है ना आप कर रहे हैं आपकी स्टोरी आपकी कुछ अपडेट्स वीडियोस कोटेशंस हैं तालीमी चीज आप डाल सकते हैं लोग जो है ना वो तजस को क्यूरियोसिटी को पसंद करते कोई चीज आपने डाल दी और उसमें आपने एक सवाल लिख दिया और आप चाहते हैं कि वो लोग जो सवाल लिखा तो उसके साथ आपकी इंगेजमेंट हो आप एक सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया और फिर आपकी बातचीत स्टार्ट हो गई आप अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बात कर सकते हैं और बिजनेस के बारे में भी बता, ब, बात कर सकते हैं लेकिन आपने यहां पर बेचना नहीं इस प्लेटफॉर्म में बेचना मना है तो अब क्या क्या चीजें कंटेंट में आ सकता है कोटेशन है मिसाल के तौर पे जेम रोन साहब कहते हैं मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड हैबिट इट व्हाट्स व्हाट कीप्स यू गोइंग इस किस्म की एक नई हजारों लाखों में कोटेशन है आप उर्दू में डालें हिंदी में डालें बंगाली में डालें जो जो लैंग्वेज उर्दू में, में डालें आप डालें आप देखेंगे जो अच्छा कोटेशन जो है ना हर एक को पसंद होता है और वो उस पर कुछ लिखेगा या कुछ बात करेगा डेली अपडेट्स ये जब मैं गया था लास्ट अप्रैल में तो मैंने ये एक जो है ना पोस्ट किया था मैं तकरीबन हर दूसरे रोज या कभी कभी रेगुलरली मैं डेली अपडेट्स देता हूँ ट्रेवल कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल वैनकूवर से कैनेडा कैनेडा से दुबई अभी मैं जब जाऊंगा एक उसके अंदर एक आइकॉन है कि आप अपने ट्रैवल के बारे में लोगों को बता सकते हैं इंगेजमेंट पोस्ट अब ये देखिए कितना खूबसूरत सिंपल सा पोस्ट है कि आप हाउ मेनी स्क्वेयर आर देयर ये सारा स्क्वेयर में और मेरा मैक्सिमम इस जो पजल दिया था और लोग इसमें इंगेज किए थे इसमें हंड्रेड्स में लोग थे आपकी अपनी या आपकी टीम की कोई इंस्पिरेशन मतलब आप एक अच्छी तस्वीर दिखा रहे हैं लोगों को और उसमें आपने कहीं भी आपको डिएक्शन का लफ्ज नहीं नजर आएगा द जॉय अब मैंने क्या लिखा है द जॉय ऑफ लाइफ इज इज इन गिविंग आदमी खुश होता है देकर और फिर इधर पे मैंने फिर मजीद कुछ चीजें लिखी हैं लाइफ स्टाइल आप कहीं पर क्रूज में हैं कोई आप वेकेशन में हैं लोग इससे भी बड़ा मुतासर होते हैं फिर आपका ये क्या है कोई ह्यूमनस पोस्ट आप डाल सकते हैं और ये वाला जो पोस्ट है ये आप आप से देखें अब बच्चों का जो है आ, पोस्ट ये भी बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है मैंने कहा नेटिव वीडियो मैंने एक वीडियो डाला और फिर मैंने डाल दिया इसमें वेट लॉस ये बहुत ही फेमस साहब है तो अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने जब देख रहा था तो इसमें हजारों लोगों ने कमेंट्स किया था फूड खाना जो है ना हर एक पसंदीदा चीज है अगर आप यूट्यूब में जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर जो आपका जो पोस्ट है वीडियोज है वो खाने पर है स्किन केयर ऑफकोर्स हर एक टीनेजर हो या कोई भी हो अपना स्किन के बारे में तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं लेकिन विदाउट गिविंग द नेम ऑफ स्पाइलिना अब ये एक पोस्ट मैंने डाला था हाउ योर हेल्थ लाइक नेवर बिफोर और सारो कुछ मैंने डाल दिया इसमें और फिर आखिर में एक लफ्ज होता है कॉल टू एक्शन आप बिजनेस के बारे में डाल सकते हैं द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आफ्टर कोविड 19 अब आप देखिए ये जहां भी टेक्स्ट आ रहा है कुछ भी आ रहा है उसमें डिएक्शन का नाम नहीं आ रहा है प्रोफाइल में अब मैं आता हूं फेसबुक लाइव फेसबुक लाइव क्या है यह एक वीडियो ऐप है जो आपके मोबाइल में आता है और ये आप उसमें भी, भी कर सकते हैं अपने लैपटॉप में भी और ये जो आप वीडियो बना रहे हैं ये उसी वक्त जितने भी लोग आपके फेसबुक के फ्रेंड हैं हजार हैं या दो हजार या पांच हजार है अगर वो ऑनलाइन है उनको नोटिफिकेशन जाएगा वो आपको देख सकते हैं तो क्यों वीडियो जो है ना लोगों को इतना ज्यादा खींचता है क्योंकि इसका जो रीच है अगर आप गौर से देखें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इसका रीच सिक्स टाइम्स मोर देन द नॉर्मल वीडियो अब अगर आप देखें टेक्स्ट नॉट ग्रेट टेक्स्ट प्लस फोटो जरा सा बेहतर वीडियो बेस्ट है 1200 होता है 12, और ये जो है ना सिक्स होता है तो इसलिए आप ये ना सोचिए मुझे तरह पता नहीं आप हफ्ता में दस रोज में एक वो करे क्या लाइव करे एंड दैट वुड बी समथिंग जो आपका बिजनेस को बहुत फैला सकता है अब आपका जो लाइव वो आपके अराउंड है और आपके साथी जितने भी हैं उनका और आपका जो है ना कंपटीशन दस गुना जो है ना बढ़ सकता है आपका फेसबुक लाइव करने से तो आप क्या कर रहे हैं जो भी लोग आपके दोस्त हैं या दोस्त के दोस्त हैं उनके साथ आपकी कनेक्शन हो रही है आप कोई तालीमी चीज बता सकते हैं आप कोई मजेदार चीज बता, बता सकते हैं जो भी करें आप फेसबुक प्रोफाइल में आप चीजों को नहीं बेच सकते हैं. जैसे ही आपने ये बात कही तो लोग फॉरन ही जो है ना वो लाइफ को बंद कर देंगे या वो समझेंगे कि आप जो है ना कोई रिक्रूटमेंट की बात करें आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए किस तरह से आपने जो लोग सुन रहे हैं आपके कस्टमर्स आपके फ्रेंड्स ठीक है ना उनको किस किस किस्म की आप खिदमत कर सकते हैं किस तरह से आप एक वक्त में आप हंड्रेड ऑफ लोगों से बात कर रहे हैं है आपका अपना एक आ, जैसा टीवी का चैनल होता है ये आपका अपना चैनल है और इससे पावरफुल मैं समझ मैं समझता हूं कोई और प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता है कि आप एक वक्त में अगर आपके 2000 लोग हैं और उनमें से अगर से 200 भी लोग आपको देख रहे हैं जो जो आपके डीएक्शन के मेंबर नहीं है ये चीज याद रखें फेसबुक प्रोफाइल में ये आपका प्रोस्पेक्टिंग का प्लेटफॉर्म है आपका जो भी डीएक्शन के जो बंदे हैं आपके दूसरे वाले ग्रुप में हो सकते हैं यहां पर जो 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 है 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 ये 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 नॉन होगा फेसबुक प्रोफाइल में अब चीज मैंने आपको कहा है, कौशन, ये आप जो है ना कभी भी ये गलती ना करें क्योंकि आपके जो दोस्त है ना वो कहेंगे ये सिर्फ डीएक्शन के बारे में बात करता है और चीजें कहता है कि खरीदो या बेच रहा है या रिक्रूटमेंट कर रहा है आपने ये सारा कुछ करें लेकिन आप करेंगे फेसबुक ग्रुप में यहां नहीं ये जो फेसबुक जो है हमारा क्या है ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है आप दोस्ती करते हैं यहां पर बेचने की नहीं बात हो रही रिक्रूटमेंट की नहीं बात हो रही प्रोफाइल जो है इसका मकसद है फ्रेंडशिप ताल्लुकात आप और आप अब कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे वो फिर मैं, मैं आपको दूसरे तो ये है फेसबुक प्रोफाइल का मेन पर्पज सोशल होना कनेक्शन अब ये जो कनेक्शन है आप जो भी चीज डाल रहे हैं खा वो तस्वीर डाल रहे हैं वीडियो डाल रहे हैं आपका आप फेसबुक लाइव डाल रहे हैं तो जब आप ये चीज डालते हैं ना तो वो लोग कमेंट्स करते हैं वो लोग शेयर करते हैं या वो लोग लाइक like करते हैं या वो लव करते हैं अभी तक आपने बात नहीं की है आपने कोई चीज डाली अब क्या हुआ वहां पर कोई वो ऐसी चीज आपने डाली है कि अब आपसे वो बात करना चाह रही आप उनको जानते हैं या नहीं जानते हैं अब आपकी कनेक्शन हो गई है अब ये देखिए ये मैंने पिछले दिनों जो है थैंकफुलनेस पे थैंक्स गिविंग का जो एक दिन मनाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में तो मैंने ये सवाल लिखा वट आर द टू थिंग्स यू आर थैंकफुल फॉर आप जो है ना दो चीज लिखी जिसका आप बहुत शुक्रगुजार हैं और उसमें बेशुमार लोगों ने जो है ना कमेंट्स किया और उसको लाइक किया उसको शेयर किया अब ये जो साहब आपको नजर आ रहे हैं फरद महमूद मैं इनको जानता भी नहीं हूं तो उन्होंने लिखा है एवरीडे मोर देन वन मिलियन पीपल डाइज एंड आई एम थैंकफुल टू अल्लाह फॉर कीपिंग मी अलाइव एंड फॉर दैट गुड है तो फिर मैंने क्या किया उनको इसका जवाब दिया तो ये कनेक्शन हमारे प्रॉस्पेक्ट था हमारे लोग हमारे साथ कर रहे हैं ये हो गया दूसरा पहला कंटेंट फिर कनेक्शन अब ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्या अब आपने इनसे बात करनी शुरू कर दी कन्वर्सेशन तो आपकी कनेक्शन जो लोगों से जो आप कर रहे हैं उसका जो एंड होगा वो आपकी उनके साथ बातचीत स्टार्ट होनी चाहिए अब टेक्स्ट के जरिए नहीं अब टेक्नोलॉजी आ गया है कि आप कैसे बात करेंगे कब बात स्टार्ट करेंगे वेन टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन इमीजिएटली आपने फेसबुक लाइव दिया फेसबुक लाइव जैसे दिया तो वहां उसी वक्त ही जो है ना लोग जो है उसमें कमेंट कर रहे हैं या उसको लाइक कर रहे हैं या उनको शेयर करें जो भी है आपने उस वक्त तो आप चले बात कर रहे हैं तो उस वक्त आपके पास टाइम नहीं होगा आप, आप फोकस करें आपने जो बातें करनी है मिसाल के तौर तो पे तो अब आपने कोई पंद्रह बीस मिनट या आधा घंटे के बाद जब आप का जो लाइव वीडियो है ठीक है ना आप उसको शेयर करते हैं जब आप जब स्टार्ट करते हैं उसमें लिखा था स्टार्ट फेसबुक लाइव देन उसमें लिखा होता है एंड या फिनिश और फिर आप उसको शेयर करते हो और उसके पंद्रह बीस मिनट के बाद फेसबुक फिर उसको अपलोड करता है आपके न्यूज फीड में आपके प्रोफाइल में और आप उसके पंद्रह आधा घंटे के बाद आप जाकर जितने लोगों ने कमेंट किया सबसे पहले उनको आप जवाब देंगे उसके बाद जिन लोगों ने शेयर किया उनको जवाब देंगे जिन लोगों ने लाइक like किया या लव बटन हार्ट दिखाया अच्छा वे यू डू द कन्वर्सेशन आप बातचीत कहाँ करते हैं यहां पर अगर आपने किसी ने जवाब दिया है मिसाल के तौर पर आप उसने उसका वहीं पर जवाब दे सकते हैं लेकिन मैं समझता हूँ सबसे जो बेस्ट जगह है जवाब देने का वो मैसेंजर में आपको लेकर आए आप उसको क्योंकि जो भी आप उनसे बातें करेंगे वो सेव हो जाता है आपके मैसेंजर में उसमें आप बात कर सकते हैं मैसेंजर जो है मैसेंजर कॉल है उसमें ऑडियो है बहुत सारी फेसिलिटी है आप वो कर सकते हैं अब लोग मुझसे पूछते हैं कि बात करें तो क्या करें कैसी शुरू शुरुआत करें उन्होंने कॉमेंट किया आपका कोई भी मुझे आपका ये जो आपने लाइव किया या आपने तस्वीर भेजी बहुत मुझे अच्छी लगी तो आपने बड़ा सिंपल और बड़ा जो है ना दिमाग को भी जो है ना एक्सेप्ट करता है जैसे उसने कुछ लिखा तो आप उसका शुक्रिया अदा करें मिसाल के तौर पे वो जो साहब हैं वो अब्दुल्ला है तो अब्दुल्ला को कहेंगे अब्दुल्ला नाम लिखें जरूर अब्दुल्ला मैं श, श, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे पोस्ट को कमेंट किया या आपने लाइक किया पहला सेंटेंस ठीक है दूसरा है आप पूछेंगे आपने जो लाइक किया क्या कौन सी चीज आपने लाइक की बस एक सेंटेंस या आपने शेयर किया वो शेयर क्यों किया कि बहुत सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है एक एक सवाल करें और अब आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी अब आप आपने क्या करना है उस कन्वर्सेशन से जो है ना आप जैसे डीपर लेवल में आप जाएंगे फिर आप कहेंगे आप किस शहर में रहते हैं क्या करते हैं क्या आपकी फैमिली है बच्चे हैं कैसी जॉब जा रही है अब ऐसे डीपर लेवल में जाएंगे मेरी किताब जो है मैप ऑफ फ्रीडम उसमें बड़ा क्लियर सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है नेचुरल अप्रोच वो ये है आप जब कंटेंट में आप कुछ लिखे या बात करें उनके प्रॉब्लम मालूम करें और प्रॉब्लम जब आप दरियाफ्त कर लेंगे प्रॉब्लम तो लोगों का है ये आपको मानना होगा और अभी प्रॉब्लम जो है ना दो आ गया सेहत का प्रॉब्लम आ गया है और आपका इनकम का या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया है इज बिग प्रॉब्लम वर्ल्ड ओवर तो अब आपने उसका सोल्यूशन देना है और सोल्यूशन कैसे देंगे आप टेक्स करके नहीं मैसेंजर में नहीं अब आप उनको लेकर आए जूम में स्काइप में या फोन कॉल में अब ये जो इम्पैक्ट है ये आमने सामने का अभी आप मुझे देख रहे हैं अगर मैं वीडियो हटा दूं, तो आप मेरा सिर्फ मेरी अल्फाज सुनेंगे आप सेवन परसेंट इम्पैक्ट है अब ये स्टडी किया गया है ये, ये, ये मेरे तरफ से ये आ, पाई कर्व नहीं है जो आपको नजर आ रहा है 55% परसेंट जो है ना आपका बॉडी मूवमेंट है किस तरह से आप बात कर रहे हैं या किस तरह से वो आपका प्रोस्पेक्ट आपसे बात कर रहा है और 38 परसेंट आपका जो आपका वॉइस है किस तरह से वो बात कर रहे हैं उनका लहजा क्या है तो 93% परसेंट जब आप लोगों को देखते हैं ना तो आपको पता लग जा आपका आमने सामने बात करने का जो है ना तरीका होना चाहिए जूम में या स्काइप में या फेस टाइम में या जो भी है तो अब मैं दोबारा आपको एक जो है ना रिविजन देता हूं कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसमें फेसबुक के साथ आप कनेक्ट हो तो कनेक्शन में क्या है जब आप पोस्ट डालते रहते हैं, डालते रहते रहते हैं हैं तो लोग आपको देखते रहते हैं ये ना समझे कि कि कोई आपको कमेंट नहीं कर रहा है इसके मतलब है कि मेरा पोस्ट तो 2000 मेरे फ्रेंड्स है हर एक देख रहा है लेकिन वो कमेंट नहीं कर रहा है लेकिन एक वक्त आएगा इतना आपने अच्छी, इतनी अच्छी बातें कही हैं कि वो कहेगा अच्छा भाई तुम करती क्या हो तुम बार बार जो है ना सेहत की बातें कर रहे हो तुम तो कोई इंजीनियर थे या तुम तो सेल्स मैन थे अब तुम सेहत की बातें कर रहे हो अगर आपने एक मौजू लिया है तो जरूरी है कि कोई भी प्रोस्पेक्ट जो है ना आपके करीब आएगा तभी उसका एतम बढ़ेगा जब करीब आएगा तो आपने उसका प्रॉब्लम निकालना है डिस्कवर करना उसका उसकी जरूरत क्या है उसकी तकलीफ क्या है और ये आपकी कन्वर्सेशन में होगी और फिर आप उसको सोल्यूशन देंगे और नेक्स्ट स्टेप जो है ना उससे फिर आप बात करेंगे तो आपका पूरा फोकस जो होना चाहिए किस तरह से आपने उस शख्स की मदद करनी है ये आप किस तरह से आप जो है ना उसको प्रॉब्लम से निकालना है आप आपका जो रुझान होना चाहिए आपका अप्रोच जो होना चाहिए ना कि यू You are interested, आप जो है ना उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हैं जहां आपने गैनोडरमा की बात कर दी और इस बिजनेस से इतने पैसे मिलेंगे लोगों को यह मिल रहा है और यह गैनोडर्मा करता है उसके 400 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है आप जो है ना सेलिंग कर रहे हैं आपका कॉल टू एक्शन आपका आपके सारी के सारी जो फोकस होनी चाहिए आपका प्रॉब्लम है मेरे पास उसका सोल्यूशन है आपका सारी जो बात करने का जो तरीका कार है आ, इसके अराउंड जो है ना रिवॉल्व करना चाहिए अब फेसबुक जो है ना ये पसंद करता है कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं कि आज आपने फेसबुक कर लिया फिर आप करेंगे एक महीने के बाद नहीं जो भी आप पोस्ट डाल रहे हो जो भी आप वीडियो डाल रहे हो जो भी आप फेसबुक लाइव कर रहे हो तो फेसबुक जो है वो देख रहा है कि आप कितने रेगुलर हैं कितने कंसिस्टेंट हैं ये बहुत जरूरी है और जितने लोग आपके एंगेज करेंगे तो इनका एक एंगेजमेंट पॉइंट का इनका क्राइटेरिया इनकी जो एल्गोरिदम है ये कंसिस्टेंसी पे और कितने लोग इंगेज कर रहे हैं तो वो आपको जो है ना ऊपर लेकर आता है और फिर लोगों के सामने आपको ले जाता है फेसबुक तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो है ना रेगुलर कोई अच्छे पोस्ट डालें उससे एंगेजमेंट हो और इंगेजमेंट से आपका पॉइंट्स बढ़ता रहे बढ़ता रहे टू द पॉइंट वेर फेसबुक आपको प्रमोट करेगा आपको कोई पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है तो ये चीज आपने देखे ना जैन नशीन कर लें आप राइट कन्वर्सेशन right जो आपने सही अगर आपने बात की और उनका प्रॉब्लम आपने निकाल लिया और वो बंदा खुद कहता है कि भाई आप बताएं ये सारी जो आप बातें कर रहे हैं कि इसमें क्या मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है आ, सेहत का या पैसे का या दोनों का तो ये जो बातचीत है ना और ये जो जो सारा टाइम है आप डिपेंड करता है कि आप कितने महारत से उनके साथ बात करते हैं फिर ही कहीं जाकर कन्वर्जन होगा आप इसमें जल्दबाजी ना करें आप जब किसी से बात करना स्टार्ट करें तो उसमें वक्त लगेगा वक्त हो सकता है कुछ दिन लगे कुछ हफ्ता लगे कुछ महीना लगे क्योंकि आप सारी बातें कहां करें मैसेंजर में और मैसेंजर में जाकर मिसाल के तौर पे आप महीने के बाद उससे बात कर रहे हैं ना तो आप जो है ना पूरा पीछे वाला सारा रिकॉर्ड देखें आपने कब बात स्टार्ट की एक साल पहले उसके बाद ये बीमार हो गए या आप बिजी हो गए अब आप दोबारा रिवाइव कर सकती हैं उसको तो कन्वर्जन जरूरी है और अल्टीमेटली आपका जो सारा मकसद है कि आपका पोस्ट से वो बंदा कंज्यूमर बने या वो मेंबर बने यही यही दो चीज है इसके अलावा तो और कोई चीज नहीं है तो कंज्यूमर भी आपको बिजनेस ला देता है और मेंबर भी आपको बिजनेस लाके देता है तो ये आपने फोकस करना है कि किस तरह से आप इस हुनर को जो है ना सामने लाएं जिसमें हजारों लोग आपको एक वक्त में आपका चैनल से जो भी आपका नाम है और वो चैनल जो है आपका से आप मेरा नाम मिसाल के तौर पर फातमी गनी है ठीक है ना ये तो मेरा आ, अपना प्रोफाइल है वो प्रोफाइल आप ही के नाम पे होगा लेकिन मेरा जो दूसरा जो चैनल है जो भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें हजारों लोग हैं अब वहां पर मैं डीएक्शन की बात भी कर सकता हूं डीएक्शन के वीडियो भी दिखा सकता हूं डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता हूं पावर पॉइंट डाल सकता हूं जो मैं चाहूं कर हूं उसमें लाइव भी कर सकता हूं तो अभी जो वक्त है ना ये बेस्ट टाइम है ये जो बीज बोने का अभी आप अगर बीज बोए फेसबुक में ये बीज बोने वाली बात होती है आप ही बीज बोकर जो है ना दरख्त से जो है ना फल नहीं निकाल सकते हैं उसमें वक्त लगेगा तो उसमें आप ज, आप जो है ना जरा सा सबर से काम लेना होगा सबर सबर से काम लेना होगा तो ये ताल्लुका जिस तरह आप ये देखिए जो पौधा बढ़ रहा है ना इसी तरह हमारा रिलेशनशिप जो है जो ताल्लुकात है एकदम जो अजनबी है अजनबी आपके करीब कैसे आएगा जब तक आप आ, कोई ऐसी चीज ना करें जो आपको वो पसंद करने लगे और कंटेंट जो आप डाल रहे हो वो कंटेंट जो है ना उसको पसंद आने लगा या आपने कोई ऐसी चीज की वो आपको उसको पसंद आ गया कोई चैरिटी आपने दे दी मिसाल के तौर पे किसी को हेल्प किया अब ये जो चीजें हैं ना कुछ वो हर एक को पसंदीदा है कोई आपने ऐसा सोशल वर्क किया कोई आपने तालीम दी तो ये आते आहिते आहिस्ते ये जब करीब आ जाते हैं उस वक्त फिर आप मजीद बात करें कि आप बताएं अपने बारे में मैं तो ये सारा कुछ लिखता रहा हूं तो आप पसंद भी करते रहे अब आपने इस पे जो है उनके प्रॉब्लम निकालना है प्रॉब्लम निकालना है ये आप फिजिकली करें या ऑनलाइन करें अब मैं आपको जो है ना रिजल्ट दिखाऊंगा सोशल मीडिया प्रॉस्पेक्टिंग से कैसे लोग कामयाब हुए हैं मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कुछ हमारे लीडर्स हैं इमेजिन करें लीडर्स वो कहते हैं कि फेसबुक और सोशल मीडिया ऐसा ही है मतलब ये देखकर कोई फायदा ही नहीं है तो मैं खास करके उन लोगों से मैं जो है ना मैं एड्रेस करता हूँ कि अगर आप समझते हैं डीएक्सएन में सोशल मीडिया या फेसबुक कोई भी चीज नहीं है तो सबसे पहले जो फास्टेस्ट क्राउन एंबेसडर रहे हैं लास्ट ईयर तक उनका नाम है लाज़्लो कूचो हंगरी के हैं और वो जो है ऑलरेडी इस फील्ड में थे और 5 साल के अंदर ये बन गए क्राउन एंबेसडर और काफी अरसे तक थे अब ये 2012 हजार 2010 या 9 में ये ज्वाइन किए थे अब आप जो जो सोशल मीडिया का जो जो रीच है अब कहीं ज्यादा बढ़ गया है अब ये शेखा तुर्की जो है अलामरी इसी साल ये चार साल चार साल में सोशल मीडिया के तहत क्राउन अम्बैसडर बनी है तो लाजलो के बाद जो फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर जो बनी ना वो ये लेडी बनी है उसके बाद अभी जो फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर इन द वर्ल्ड है वो मिस अमीरा हमाद अल ये लास्ट ईयर भी आई थी यहाँ पर हमारी लीडरशिप कैप में इस साल भी आई मैं इनसे मिला उनके हस्बैंड डॉक्टर अली से मैं मिला और मैंने ये मानुम किया कि किस तरह से इस दो साल में समवेयर uh, 2018-19, या जनवरी 2018 में ज्वाइन किया था और मेरी लास्ट ईयर मुलाकात थी, इस साल मुलाकात थी, इस साल तक जो है ना वो डबल क्राउन डायमंड मुझे पता लग गया था कि ये तो आप ये बन जाएंगी क्राउन uh, एम्बेसडर और 29, नाइन महीने में ये सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके ये फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर बनी अगर एक इस किसम के पूरे नकाब में मुहतरमा है जो घर में बैठकर सिर्फ औरतों से बात करके फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर बन सकती है तो आप लोग खास कर मर्द हजरात आप लोग तो उससे पहले भी बन सकते हैं लेकिन ये हुनर ये स्किल आपने सीखना है फिर ही आप आगे बढ़ सकते हैं तो आप डरे मत कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है ये तो मैं नहीं कर सकता मेरी उम्र जो है ना 50 साल है या 40 साल है अगर आपकी 40 साल है 50 साल है तो आप सीखे कोई बात नहीं सीख सकते हैं और अगर आप फौरन इसके अंदर घुस आप मतलब इसके अंदर आप दाखिल होना चाहते हैं और आपको जो दुश्वारी हो रही है, तो अपने बच्चों से सीखें आपके बच्चे में यह मैं बता दूं सोशल मीडिया के बोलो कीड़ा है आप उनको के youtube में कैसे करना है कैसे चीजों को तलाश करनी है फेसबुक में क्या करना है इंस्टाग्राम में क्या करना स्नैपचैट में क्या करना है, क्या करना है इंस, उनको सब कुछ पता है आप उनका हेल्प लें जो आपको बोनस मिल रहा है ना उसका टेन परसेंट आप उनको दे दें एक तरह का उनका वो हो जाएगा उनको कह के आप तुम जो है ना मेरा बिजनेस पार्टनर हो तो अभी वक्त है दुआ का और मैं दुआ करता हूँ जो लोग इस न, कोविड से सफर कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको शिफा दे और जो लोग सेहतमंद हैं सेहत जो है उसका ख्याल रखें कहते हैं हम तंदुरुस्ती हजार नियमत है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डीएक्शन है डीएक्शन का प्रोडक्ट है डीएक्शन का सिस्टम है जो दोनों चीज दे रहा है लोगों को सेहत भी दे रहा है लोगों को पैसा भी दे रहा है ये भी आपको बता दूं इस पैंडमिक में एक साल के अंदर जिन जिन लोगों ने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया है उनका बिजनेस जो है ना डबल से ट्रिपल भी हुआ है मैं एक मिसाल देता हूं पाकिस्तान में आ, आपकी ट्रिपल डायमंड मेहनास किरण है मतलब लेडी है और वो जो है ट्रिपल डायमंड बनी इसी पैंडेमिक में और अन करीब आगे भी बढ़ी इसी तरह बहुत सारे और भी लोग हैं जो क्राउन डायमंड बन रहे हैं और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं तो आप ओवरऑल डीएक्सन का बिजनेस ये मैं बता दूं इसी पैंडेमिक में जो है ना बहुत ऊपर गया है अगर आप इसको सीरियसली लें और ये सीखें इसको इस्तेमाल करें फेसबुक को आप जरूर जरूर कामयाब होंगे और आखिर में मैं हमेशा तोहफा देता हूं और मेरा जो तोहफा है वो मेरा यूट्यूब चैनल मैप योर फ्रीडम में हर हफ्ता मैं एक से दो वीडियो अपलोड कर रहा हूं अभी ऑलमोस्ट एक सौ तीस से ज्यादा हो गया है और ज्यादातर मेरा जो वीडियो है वो अराउंड बिजनेस है

इसमें जाएं और मैं हर हफ्ता जो है ना कुछ ना कुछ इसमें ऐड करता हूं कभी लाइव आता हूं कुछ बिजनेस की बातें करता हूं और इससे जो है पर्सनली आने की जरूरत नहीं है यही काफी है फेसबुक ग्रुप और कोई भी इस, इसका जो है ना आ, मेंबर बन सकता है लेकिन मेरे एक सवाल है कि क्या आप डीएक्शन के मेंबर हैं आप सिर्फ यस कर दें और मैं जो है ना एक सेकंड में आपको

Uh, in Facebook and in Zoom, um, by saying agreeing to your your presentation, and uh, thanks a lot for this wonderful yeah. presentation. Yeah, Agar, uh, yeah sure. If you have a question, so Mr. Giani is ready to answer you, uh, you will get a chance to uh, get the answer from the Crown Ambassador himself. So take a chance. We will be picking three very relevant questions and uh, we will pause to the Crown Ambassador himself. Uh, so, अगर आपका कोई सवाल आ, तो है अभी तो मैं रेडी है बिल्कुल मैं बिल्कुल हिंदी उर्दू में करेगा अभी आपने इंग्लिश में एक बार बात नहीं करनी आप सिर्फ उर्दू नहीं, नहीं 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 तो पूरा हिंदी और उर्दू पे स्टिक करेगा अभी अच्छा सो सी मिसी जानी मैं तो पहला सवाल लेगा मेरा तरफ से या आपके तरफ से ओके यस या बिकॉज़ आई विल मेक इट इन इंग्लिश ऑफ कोर्स ओके ओके Because we are seeing uh, people are using Facebook. Uh, you have beautifully explained how uh, you can earn money or how you can make yourself better uh, by using Facebook. Facebook is a very good medium of communication, very good medium to find our old friends and everything. But uh, can you make it in a nutshell uh, like, uh, why, how should I use my Facebook to get my friends converted to prospects? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि एक आपका जो फेसबुक फ्रेंड है उसको आप किस तरह से जो, जो जर्नी है देखिए आपका फ्रेंड हो या रिलेटिव रे, हो आपने ये जो सफर है सफर मतलब है जो जर्नी है कब उसको यहां तक लेकर आना है जब वो कंज्यूमर या मेंबर बनता है देखिए हर एक जो है ना वो कंज्यूमर नहीं होगा और हर एक मेंबर भी नहीं बनेगा क्योंकि हमारा जो बिजनेस है शेबी बहुत टफ बिजनेस है या आसान बिजनेस नहीं है तो आपका क्या काम है फेसबुक प्रोफाइल से जिस तरह मैंने कहा है कि आपने ऐसा कोई कॉन्टेंट दिया और वो फ्रेंड आपसे जो है ना आ, कहा कि शबी आपका जो है वो कंटेंट मुझे बड़ा यू नो नॉलेज दिया है तो इसके बारे में और बताएं तो आपका काम क्या है कन्वर्सेशन देखिए हम क्या करते हैं हम फॉरन अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देते द प्रेजेंटेशन हैज बी वेरी नॉन सेल्सी एंड नेचुरल हम हम ये नेचुरल की बातें करते हैं ना ये सारा नेचुरल प्रोडक्ट है हमारा जो कन्वर्सेशन हमारी जो बातचीत है ना वो भी बहुत नेचुरल होना चाहिए और हमें फोकस करना चाहिए कि वो शख्स जो मेरा दोस्त है मेरा स्कूल का दोस्त है मैं भी आपको एक मिसाल दू जब हम ग्रेट थ्री में थे वी वॉल Yeah. Um, this friend of mine he was in UAE also and i'm sure he's one of the uh, participant in this and, mm -hmm. and uh, this uh, person uh, had been seeing me he was working in a very you know in a professional job he was a general manager or a director of the company and all that and we had dinner his wife came to our place and whatever and all that time abhi mm -hmm. abijakar कोई दो महीना हुआ है ही हैज जॉइंड तो हर एक जो है ना उसका जो प्रॉब्लम को हमने निकालना है फ्रेंड हो देखो जो दो जो जो पुराने दोस्त हैं फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो दोस्त है ना जो यू आर फ्रॉम कनौर राइट नो आई एम फ्रॉम अदर पार्ट अदर पार्ट टे ओके फॉर एग्जाम्पल कोटे में जो स्कूल में तुम गए ना वो स्कूल के साथ वो जो फ्रेंडशिप है ना दैट इज विनील्फलेस नॉट सेल्फिज यू नो वेन यू ग्रो देर आर ऑल का दोज फ्रेंड्स आर द बेस्ट पीपल टू गेट कनेक्टेड एंड फाइंड देर प्रॉब्लम एंड यू कैन यू नो से वेरी Um, you know in a very frank way in a very joking way and you tell me about your health or you can also ask because that bonding is there from your grade five or in your college days you were like this at that time there was no competition you were just like that so isliye. सबसे पहले जो आप लोगों से बात करें ना जो आपको ट्रस्ट करते एतम जिसका है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और लेकिन एंड ऑफ द डे आपने प्रॉब्लम निकालना है फ्रेंड हो या स्ट्रेंजर हो एंड ऑफ द डे देखो स्ट्रेंजर का गैप इतना होता है फ्रेंड का गैप इतना होता है यहां से यहां आना इज इजियर एंड फाइंड फाइंड द प्रॉब्लम फिर उसका आप सोल्यूशन दें देखो इवन फ्रेंड जो है ना आप जबरदस्ती नहीं कर सकती ये दिस इज द किंग ऑफ हर्ब यू हैव टू बाय इट एंड ही विल बाय ओनली वंस सेकंड टाइम इज नॉट गोइंग टू बाय बिकॉज ही कुड नॉट से नो टू यू बिकॉज ऑफ योर ओल्ड फ्रेंड दैट पर्सन हैज टू मेक द डिसीजन फैसला उस आदमी ने करना है हाँ मुझे नजर आ रहा है मुझे नजर आ रहा है इसके अंदर हल है सोल्यूशन है तो मैं लूंगा ये है कि आपने प्रॉब्लम फ्रेंड का या जिसका वो निकालो उसका सोलूशन दो और उसको कहो देखो मैं यहां पर मैं कोई चीज बेचने के लिए नहीं आया आई आई नॉट कम कम टू टू सेल यू यू एनीथिंग और साइन आपको मैं हेल्प करूंगा हमारा प्रोडक्ट जो है इट इज बी यूज बाय टेन मिलियन पीपल लोगों को सेहत मिल रहा है ट्राई करके देखो ट्राई करके देखो एंड टेल योर स्टोरी यू सी हाउ यू वर्ड एंड हाउ यू आर नाउ they are looking at you for example if you are shabby and i'm your buddy from the school days and i find mm, you you are having more energy you are ha having more youthfulness and you are putting on the jempuri around your face and having the shine also <laughs> so they will ask you shabby i mean look at your face and look at my face so you have to be you know find out कि अच्छा यू हैव टू बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट हमारे साथ क्या ज्यादातर लोगों का इवन लीडर्स का यू नो आई एम वेरी सैड टू से लीडर्स आर जस्ट टॉकिंग सम ऑफ देम नॉट ऑल सम देयर टॉकिंग बट दे आर नॉट यूजिंग द प्रोडक्ट वो तीन सौ पीवी करने में इनको पूरा प्रॉब्लम हो रहा है आपका अगर फैमिली है आपके बाप माँ है भाई बहन है आपके बच्चे दो तीन है या जो भी है एक पीवी तो ऐसे ही हो जाता है अगर आप के लिए सेहत इंपॉर्टेंट है दिस इज वेयर वी शुड बी इन्वेस्टिंग नॉट इन आवर क्लोज एन द कार एन द हाउस तो ये आपने उनको uh, जो है ना इंपॉर्टेंस बताना है अर्जेंसी देना है टू कम सोन थैंक यू थैंक यू सो मच्ञानी जस्ट वॉन्ट टू मेक दिस अनाउंसमेंट ऑल्सोन वी आर सी प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट मिसानी कम्स इन द लिस्ट इन द फर्स्ट

लेकिन ये मैं बता सकता हूँ अभी जो लोग ब्राइटर से नहीं है uh, मैंने कभी भी लाइफ में कॉस्मेटिक इस्तेमाल नहीं किया अब क्योंकि जब मैं लोगों से बात करूंगा अगेन आई हैव टू नो हाउ दिस प्रोडक्ट फील्स इट डज तो अभी मेरा जो जो स्किन है ना मेरा स्किन जरा सा रफ था नाउ यू नो इट इज बिकम वेरी स्मूथ Even my wife is saying that Ki, tum kya kar you? your skin is shining. I said that is the secret. <laughs> <laughs> thank you, thank you so much, uh, Miss Gani, for inspiring us. Uh, and yeah. uh, like you said, not just talking but uh, acting also. So, this is very important uh, in getting the things implemented. Uh, fantastic. And uh, we have um, both are respected personalities attended, or the crowd is very good. Uh, Dr. Asma Munir is attending the session, and she was saying, Any limitation of Facebook or uh, care to be taken? Especially for ladies ladies uh, this was the command, uh, she has done. okay very important question um, there are are lot of ladies who are not comfortable कोई भी औरत आती है तो ज्यादातर मर्द हजार उनके साथ चिट चाट के लिए है गपशप और फिर समटाइम दे बिकम वेरी स्टूपेड also सो आपको डॉक्टर अस्मा कितना जल्दी आप उनको भाप लें क्योंकि आप है डॉक्टर तो पीपल विल बी लिल केयरफुल लेकिन स्पेशली uh, जो लड़कियां हैं यंग गर्ल्स एंड स्पेशली इफ दे आर ब्यूटिफुल दे आर इन प्रॉब्लम द ब्यूटीफुल गर्ल्स इन प्रॉब्लम बिकॉज ऑल द मेन हू आर रीचिंग आउट दे वांट टू हैव फन दे वॉन्ट टू यू नी प्रोपोज है मैं आपसे शादी करना चाहता हूं तो आपने एज औरत कैसे उनको हैंडल करना है उनको कहना है लुखिया ट नहीं आई एम ए प्रोफेशनल ऑनटरप्रोर आई हेल्प एंडी एंड हाउ ही दे कैन बी वेल्दी इसके अलावा इस दायरा इस सर्कल के अलावा मेरे साथ जो है ना अगर आप कोई गलत बात करेंगे इसके अलावा बात करेंगे आई एम गोई टू अनफ्रेंड यू आई एम गोई टू ब्लॉक यू तो आपके पास फेसबुक में वो पावर है अगर कोई आपके साथ ज्यादा कर रहा गलत काम कर रहा एक सेकेंड लगता है उसको आप ब्लॉक करें और अगर वो और भी गलत काम करे आप फेसबुक को रिपोर्ट कर सकती हो कि वो इन्वेस्टिगेट करके ये उसने भेजा है मुझे ये ये और औरतों का जो बेस्ट जो है ना आप, आप वो डाल सकती हैं फेसबुक प्रोफाइल में देर फाइव थाउजेंड लिमिटेशन है फाइव थाउजेंड लोग उसके ऊपर आप नहीं जा सकते ग्रुप में आप हजारों में जा सकते हैं तो आपका सारा जो डॉक्टर अस्मा जो बिजनेस होना चाहिए ना वो होना चाहिए फेसबुक ग्रुप में प्रोफाइल में आप दोस्ती करनी है सलाम दुआ हेलो हाय फाइंडिंग द प्रॉब्लम एंड मोमेंट वांट टू नो ये क्या चीज है क्या प्रोडक्ट है तो आप कहेंगे आप जो है ना मेरे फेसबुक ग्रुप में आओ हर एक का फेसबुक प्रोफाइल तो है लेकिन बहुत लोगों का मैं जब बात करता हूं उनका फेसबुक ग्रुप नहीं है तो आप फेसबुक ग्रुप खोले आप अपना कोई एक टाइटल डालो जो भी टाइटल डालो देखो आजकल कुछ जो जमाना है ना वो ब्रांडिंग का हो गया आपका लोगों का हो गया अब मेरा जो है आपको जो नजर आ रहा मैप ऑफ़ फ्रीडम ये 2005 में इसका वेबसाइट पैदा हुआ द मैप ऑफ फ्रीडम इन टू थाउजेंड एंड फाइव आई वॉज वेन आई सो दैट आई कैन गेट I फ्रीडम एंड आई गॉट and I फ्रीडम इन my, my freedom in 2007 आफ्टर 2 years. देन एवरीथिंग यू नो बुक केम इन 2013 एंड द यूट्यूब चैनल केम मच लेटर फेसबुक भी आया एंड ऑल सो आपका ब्रांड हर तरफ एक ही होना चाहिए तो डॉक्टर असमा आपके जैसे बहुत सारी औरतें हैं मतलब आपको बड़ा जरूरी है कि फेसबुक में गुलाब ना डाल दें या पहाड़ ना डाल दें या किसी और बंदे का तस्वीर ना डाल डाल डा दे शेबी का के तस्वीर के के जगह में मंडेला का, का तस्वीर हो तो कहे कि ये कौन है मंडेला तो मर गया है, तो शबी नीचे आ रहा है तो इट इज इंपॉर्टेंट यू शुड फेस बुक योर फेस टू बी देयर बहुत मेकअप विकअप करने की जरूरत नहीं है लेडीज को यू जस्ट बी वेरी सिंपल बट स्टिल देयर आर स्टूपिड पीपल यू ब्लॉक देम यू ब्लॉक देम

हम दूसरा एक सवाल भी लेगा अम्सगनी इन कनेक्शन विद द द द क्वेश्चन डॉक्टर अस्मा सांस सर इट्स नॉट ऑलवेज दैट वी विल रिसीव पॉजिटिव कमेंट्स इन फेसबुक हाउ कैन वी टर्न अ नेगेटिव कमेंट टू अ पॉजिटिव सिचुएशन दिस इज आस्क्ड बाय सारदा प्रधान ओके देखो जो नेगेटिव लोग है ना आप उनको पॉजिटिव नहीं कर सकते हुँ. तो अब आप उसको जो आपका जो आपने डाला है कोई अच्छी चीज उसका नेगेटिव कमेंट दिया है तो पहली बात तो यह है कि आप इसका जवाब देंगे मैसेंजर में नंबर वन नंबर टू डोंट कीप दैट नेगेटिव कमेंट इन द फेसबुक न्यूज फीड आप आप यू आर द ओनर ऑफ दिस फेसबुक प्रोफाइल आप उसको डिलीट करो आप उसको डिलीट करो फॉरन मतलब आप देखो फेसबुक जो बहुत वक्त मांगता है ये तो है आप अगर नॉर्मल प्रोस्पेक्टिंग करते हो ना दस आदमी बीस आदमी में आपका एक दो मेंबर या कंज्यूमर बन जाता फिजिकली फिजिकली यहां पर आपको पचास सौ बंदे से बात करना पड़ेगा तो कमिंग टू योर क्वेश्चन के नेगेटिव कमेंट वाला जो बंदा है आप सिर्फ एक मरतबा आपने ये जो लिखा है ए, मेरा न्यूज फीड में इसकी क्या वजह है वट इज द रीजन यू पीपल जो मैं कहता हूं जो नेगेटिव जो लोग हो है ना दे आर वर्स देन कोविड कोविड नाउ का वैक्सीन आ गया है अभी लोग लगाना भी शुरू कर दिया लेकिन नेगेटिव लोग कोई वैक्सीन नहीं आएगा ये जिंदगी भर रहेगा ये, ये लोग ये अपना फैमिली को इन्होंने मिजरेबल कंडीशन में डाला हुआ है अपने दोस्तों को भी डाला हुआ है अभी आपको फेसबुक में भी आकर नेगेटिव बातें कर रहा है तो आप एक दो कन्वर्सेशन करो और अगर वो फिर भी नेगेटिव बात कर रहे हैं उट आपके पास टू पॉइंट टू बिलियन लोग गाय गो टू द नेक्स्ट पर्सन एंड नेक्स्ट पर्सन एंड नेक्स्ट पर्सन और राइट यस थैंक यू सो मच और हमको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे आपको शुक्रिया करके Um, and mr pradeep uh, from kerala saying it was an amazing session for the people who are interested to know more about uh, social media marketing thank you sir and a uh, lot many um, uh, messages time uh, but still uh, it was an amazing session mr gani um, the record of this session is available in facebook uh, it's a live presentation and uh, that record will be there in dxn East uh, facebook page

Uh, uh, जो लोग uh, ये फेसबुक इस इस्तेमाल कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग द मेरा uh, पिछले छः महीने में ये मेरा पहला मर्तबा नहीं है मैंने कम से कम पांच मर्तबा इस डिजिटल कम्युनिकेशन फेसबुक इसके बारे में मैंने बात किया है अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में ही जाओगे सब कुछ है और ये अभी लेटेस्ट है मैंने एवरी टाइम आई ट्राई टू मेक इट बेटर एंड रेलिवेंट अभी जो मैंने आपको फिगर दिया 68 मिलियन कोविड 19 वो जो मैंने छह महीने पहले दिया था तो उस वक्त ओनली 25 मिलियन तो आई डू रिसर्च एंड आई एम सीइंग द रिजल्ट आई एम सीइंग द रिजल्ट आपको जो है ना डरे मत दिस इज माय रिक्वेस्ट डोंट बी अफ्रेड कम आउट ऑफ योर दैट कंफर्ट जोन एंड प्रोकैटेनेशन जोन एंड डू इट हम गलती करेंगे देखो नो बड़ी एंड इन फेसबुक में जो अच्छी बात है ना इवन इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक The people like who will make mistake. Nobody is perfect. So what do you do? Look, I am doing Facebook live for the first time. My feet are shivering. I am very afraid. You know, my words will not be right. But next time I will be better. So please, whatever I am talking about today, you comment on So this is how you have to uh, come out of your fear. And anybody and everybody can do this Facebook. But do it in a, प्रोफेशनल मैनर एंड आप यहां से यहां नहीं जा सकते देखो जो कहते ना चेंज यू शुड जस्ट है शिफ्ट आप एक साल में इधर चले जाएगा इन शाह थैंक यू सो मच